Non-Stop 100. इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक पर कस सकता है खुफिया एजेंसियों का शिकंजा। पिछले 3 महीने में पीस टीवी पर दिए गए भाषणों की होगी जांच। जाकिर नाइक के भाषणों पर गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां सतर्क। बांग्लादेश ने की नाइक के भाषणों की जांच की मांग। जाकिर की तकरीरों के टेप देखेगी एनआईए और आईबी। भड़काऊ या हिंसक भाषा मिली तो होगी कार्रवाई। जाकिर को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी सख्त। वेंकैया नायडू ने कहा जाकिर के भाषण आपत्तिजनक। कर्नाटक के मंत्री रोशन बेग का जाकिर नाइक पर हमला। कहा नहीं देनी चाहिए नफरत भड़काने वाली तस्वीर। जाकिर को अमन का दूध बताने वाले बयान पर दिग्विजय सिंह पर चौतरफा हमले। 2012 में जाकिर के कार्यक्रम में पहुंचकर देखी सफाई। बोले मैं सिर्फ सौहार्द की बात करता हूं। भड़काऊ भाषण देने वालों पर जरूर लगाना चाहिए बैन। जाकिर नाइक और दिग्विजय के खिलाफ पटना में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। दोनों की गिरफ्तारी की मांग। कोलकाता के शाही इमाम मौलाना नूर उर रहमान ने भी जाकिर नाइक पर किया हमला। कहा नफरत के भाषण देने वालों पर लगे बैन। मुंबई में ईद की नमाज के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ प्रदर्शन। विरोध जताने वालों ने कहा नाइक पर लगे बैन। मुंबई के डोंगरी में जाकिर के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई। हमले की आशंका को लेकर पुलिस का पहरा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के लिए आसान नहीं होगा कैबिनेट विस्तार। शिवसेना के कोटे से बनाए जाने हैं 2 राज्य मंत्री मगर शिवसेना को 2 कैबिनेट मंत्री भी चाहिए। 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा में मोजाम्बिक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। निवेश और व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। साउथ अफ्रीका तंजानिया और केन्या भी जाएंगे प्रधानमंत्री। ट्वीट करके अफ्रीकी देशों की यात्रा को बताया है। मोदी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला। रणदीप सुरजेवाला ने 45,000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। कांग्रेस का दावा मोदी सरकार ने घोटाले के तहत टेलीकॉम कंपनी को बचाया फायदा। कांग्रेस ने कहा मनरेगा बजट से भी बड़ा है ये घोटाला। पूंजीपतियों की मदद करने का आरोप। टेलीकॉम घोटाले के आरोप में कांग्रेस का दावा स्पेक्ट्रम का फायदा सरकारी खजाने को नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी आय कम बताई। मोदी सरकार पर मामले पर पर्दा डालने का आरोप। बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान आतंकियों का हमला। शोलकिया ईदगाह में बम से हुए हमलों में 2 पुलिस वालों की मौत। ढाका से 100 किलोमीटर दूर किशोरगंज में हुआ हमला। ईद की नमाज के लिए जुटे थे करीब 3 लाख लोग। हमले के बाद पास के एक स्कूल में छिपे आतंकी सुरक्षाकर्मियों के साथ आतंकियों का एनकाउंटर जारी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा आतंकी हमला करने वाले इस्लाम के दुश्मन। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन उल हक ने कहा पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर हुआ आतंकी हमला देश को अस्थिर करने की साजिश। बांग्लादेश में आतंकी हमलों की स्टडी के लिए जाएगी एनएसजी टीम। 1 हफ्ते में हुए 2 आतंकी हमलों का मॉड्यूल को परखेगी। अमृतसर के बाद मोहाली में भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान के खिलाफ थाने में शिकायत। पवित्र ग्रंथ की बेअदबी को लेकर हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में जेडीयू ने आरएसएस के खिलाफ लगाया होर्डिंग। शराब मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त के साथ साथ आरएसएस मुक्त भारत बनाने की अपील। आरएसएस के एतराज के बाद डीएम ने दिया होर्डिंग हटाने का आदेश। प्रशासन ने कई जगह से उतारे होर्डिंग पोस्टर। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने हरिद्वार में किया नमामि गंगे प्रोजेक्ट का उद्घाटन। गंगा सफाई समेत 300 नई परियोजनाएं शुरू। फर्जी ट्विटर अकाउंट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत। कहा मेरी छवि खराब करने की साजिश। मंत्रालय बदलने पर स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर एनसीपी नेता अली अनवर की सफाई। कहा मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। शिवसेना ने भी स्मृति ईरानी पर साधा निशाना। सामना में लिखा विवादों की वजह से मानव संसाधन मंत्रालय छीना। रिश्वतखोरी में फंसे केजरीवाल ने अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को किया सस्पेंड। डिप्टी सीएम की इजाजत के बिना हेडक्वार्टर न छोड़ने का निर्देश। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। पूर्व सहयोगी अशोक कुमार ने कबूली घूस लेने की बात। ईद के मौके पर आतंकी हाफिज सईद ने उगला जहर। कहा अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहे हैं।
लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हाफिज सईद ने कहा अमेरिका मुस्लिम देशों के बीच फूट डालने का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भी धरे गए आईएसआईएस के दो संदिग्ध आतंकी, राज्य सीआईडी ने बर्धमान और बीरभूम से मूसा और कालू नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की बर्धमान पुलिस ने एक लोकल क्लब से 107 बम बरामद किए। छापेमारी के बाद ड्रम और कंटेनरों में मिले बम। लश्कर ने सेना और पुलिस के मुखबिरों को दी खुलेआम धमकी, घाटी में मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाकर लिखा मार दी जाएगी गोली। राजस्थान के भीलवाड़ा में मावला चौराहे पर बड़ा सड़क हादसा, ट्रैक्टर और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत, 40 घायल। राजस्थान के बर्रा से पार्वती नदी में उफान में फंसे दंपति का रेस्क्यू, 4 घंटे की मशक्कत के बाद बोट के जरिए महिला और उसके पति को बचाया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार थाने में चोरों की पिटाई, पुलिस वालों ने पट्टे से बुरी तरह मारा। बिहार के नालंदा में बिजली गिरने से 2 छात्र समेत 5 लोगों की मौत, बवंडर के बाद लोग घरों में छिपे। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश आई, बाढ़ जिला अस्पताल के अंदर घुसा बरसात का पानी। अलीगढ़ के हरदुआगंज में अवैध संबंधों को लेकर पत्नी के प्रेमी की हत्या, बीवी की साड़ी से गला घोटकर मार डाला। पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बाद किया मर्डर, वारदात के बाद पत्नी को लेकर दिल्ली चलाया था पति। बिहार के हाजीपुर में शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी, दिल्ली से आई शहीद एक्सप्रेस ट्रेन से भारी मात्रा में शराब की बोतलें जब्त। टीम के तालेबंद बक्से में छिपा कर लाई गई थी शराब, तस्करी करने वाला आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। यूपी के हरदोई में सड़क किनारे 2 ट्रक से बदमाशों ने लूटा डीजल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर खड़े थे दोनों ट्रक, कार सवार बदमाशों ने हथियारों के दाम पर लूटा डीजल। यूपी के अलीगढ़ में सरकारी अस्पताल की चौखट पर तड़प तड़प कर बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा, कई बीमारियों से बेहाल थी महिला। अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, आरोप दूसरी जगह से ईसीजी कराने पर अस्पताल में दाखिला न देने का आरोप। राजस्थान के करौली में जल भराव से नाराज लोगों ने लगाया जाम, एनएच 11 पर प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में व्यापारी बनवारी लाल की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी के दफ्तर में कांग्रेसियों का हंगामा। मध्य प्रदेश के खरगोन में मारुति वैन में अवैध रूप से एलपीजी भरते समय लगी आग, हादसे में वैन पूरी तरह खाक। दिल्ली पुलिस की ओर से मोस्ट वांटेड चोर धनीराम 24वीं बार गिरफ्तार, अब तक करीब 1000 गाड़ियां चुराने का आरोप। कार चुराने में माहिर है 75 साल का धनीराम, दिल्ली के मायापुरी में चोरी की गाड़ियां काटने का करता था काम। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर दीपक डबास को किया गिरफ्तार, हत्या की कई वारदातों में था शामिल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हिंसाकांड 2 में फ्लैट में मिली बुजुर्ग महिला की लाश, लूट के लिए गला रेत कर हत्या। राजस्थान के कोटा में बेकाबू बस पलटी, 15 लोग घायल। राजस्थान के बीकानेर में जमीन धंसने से ट्रैक्टर समेत पानी का टैंकर पलटा, 3 लोग घायल। राजस्थान के अलवर में सब्जी से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 8 लोग घायल। झारखंड के लातेहार में 4 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, 83 लाख रुपए के गबन का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में गिफ्ट के शोरूम में चोरों का धावा, 10 लाख रुपए का सामान लेकर गए बदमाश। बिहार के सहरसा में तार चोरों का भंडाफोड़, एल्यूमिनियम फैक्ट्री की लाखों रुपए की चोरी की तार बरामद। यूपी के मिर्जापुर में बदमाशों का आतंक, बैंक कैशियर को गोली मारकर बाइक और बैग लूटकर फरार हुए बदमाश, कैशियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतना में घरों के अंदर घुसा पानी, बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, अच्छी खासी बारिश के बाद लोग परेशान।
उत्तराखंड के मुकुट पर्वत के सामने आई एवलॉन्च की तस्वीर। पिछले महीने एक्सपेडिशन करने गए पर्वतारोहियों के दल ने कैमरे में कैद की थी तस्वीरें। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्नोफॉल कम होने की वजह और भारी बरसात की वजह से हुआ ऐसा। कोयंबटूर के बोलुवक्कम पट्टी में एक हथनी की रहस्यमय बीमारी से मौत, 28 घंटे तक अपनी मां के पास बैठा रहा हाथी का बच्चा। यूपी के वलिया में क्रिकेट के विवाद में एक की हत्या, एक घायल, घर के में बॉल जाने से नाराज होकर पड़ोसियों ने की वारदात। यूपी के चित्रकूट में दो पुलिस वालों के बेटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में जमकर फायरिंग, घटना में एक पुलिसकर्मी के बेटे समेत दो घायल। राजस्थान के धौलपुर में मिलावटी गुड़ में के गोरख धंधे का भंडाफोड़, खाद्य विभाग की टीम ने सील किया खराब गुड़। असम के चिरांग में सरकारी अस्पताल की नर्स की लापरवाही से गर्भवती और बच्चे की मौत, घटना के विरोध में लोगों ने की तोड़फोड़। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के 3 पार्कों का किया उद्घाटन, शहर में पेड़ लगाने के लिए 10 गाड़ियों को भी रवाना किया। देशभर में मनाया जा रहा है आज ईद का त्यौहार, दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। भोपाल में भी ईद की जबरदस्त उत्साह, ईदगाह मैदान पर बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। वाघा बॉर्डर पर देखी ईद की रौनक, आपस में गले मिले बीएसएफ जवान और पाक रेंजर्स। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखी ईद की रौनक, पाक रेंजर्स के साथ बीएसएफ के जवानों ने मनाई ईद। पश्चिम बंगाल के फुलवारी में भी बांग्लादेश सीमा पर जवानों ने मनाई ईद, बांग्लादेशी जवानों के साथ मिठाइयां का आदान प्रदान।